इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि BSNL का FMS साइट से अगर आप OLT का इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसको एंटर करना है, जैसे कि हमारे पास है अभी। अभी हम FMS को लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको डैशबोर्ड दिखेगा, सेल्स, वर्क, मेंटेनेंस। उसके बाद यहाँ पे देखिए OLT रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखिए OLT रिक्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको OLT इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद स्टेटस क्या है ये सारे चीज चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट डालते हैं। रिक्वेस्ट डालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि आप किसके लिए डाल रहे हैं। एक BSNL भारत फाइबर के लिए, भाईयर फाइबर के लिए और भारत नेट मिनी OLT। हम इसमें क्या करने वाले हैं, भारत फाइबर के लिए। तो भारत फाइबर के लिए भी हमें डाटा एंट्री करना है। तो डाटा एंट्री करने के लिए OLT मेक, मतलब OLT का जैसे कि अभी फेमस है, टेक कंपनी का भी हमने OLT ले लिया है। OLT का कैपेसिटी कितना है, 4 PON है तो 256 पोर्ट होगा। कितना है अभी हमारा EPON में है। उसके बाद पोर्ट कितना, नंबर ऑफ OLT पोर्ट कितना है, जैसे कि उसमें 4 ही पोर्ट रहेगा, 1 में 64 आपका कनेक्शन रहेगा। उसके बाद देखिए यह कहाँ पे लगेगा, या तो आप BSNL एक्सचेंज के अंदर लगवा सकते हैं या फिर ऑन प्रीमिसेस अपने, जहां पे अगर आप आउटसाइड में लगाना चाहते हैं वहां पे लगा सकते हैं। यहाँ पे दे देते हैं BSNL एक्सचेंज। उसके बाद आपको दिखाना है कि रूरल है कि अर्बन है। तो यहाँ पे हम एक अर्बन सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी लाइसेंस नंबर अभी हमारे पास पता नहीं है, तो NA डाल सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे कि अभी हमारे पास जो हमारा आईडी है JRTF कनेक्टेड के जोरहट का आईडी है, जोरहट असम का। तो यहाँ पे अभी एड्रेस में आपको देना पड़ेगा, जैसे असम अभी हमें लोकेट हो गया। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो अभी हम अभी बैठे हैं गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर OLT लगाना चाहते हैं, और हम लगाना चाहते हैं गोलाघाट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी के अंदर में लगाना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एडमिन लगा दिए। एडमिन के बाद यहाँ पे NTL है। यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करिएगा, सबमिट करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर रजिस्टर कर कीजिएगा तो ओके, क्योंकि अभी हम ये डेमो दे रहे हैं तो अभी ओके नहीं करते, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम दिखाएंगे, अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको ओके दबाइएगा। उसके बाद हम आएंगे प्रोसीजर पे, स्टेटस पे। तो स्टेटस पे जैसे ही आप आइएगा तो देखिए अभी हमारा जो पुराने OLT जो लगे हुए हैं वहां पे देखिए ये OLT रिक्वेस्ट नंबर है इतना, उसके बाद प्रोग्रेस में इतना है, OLT कंप्लीटेड। ये हमारे पुराने OLT है, जैसे कि आप देख सकते हो OLT 1098 43 भारत फाइबर। ये NRL डिफेलो के अंदर लगा हुआ है, नियर एडमिन बिल्डिंग के पास में, 6 Jan 2021। यहाँ पे ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा, और ऊपर से आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर फाइल एक अपलोड भी करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट में यहाँ पे अपलोड फाइल करेगा, जैसे ही ऑर्डर आप कंप्लीट करिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड फाइल करना पड़ेगा। तो अपलोड किस टाइप का फाइल रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक फाइल देखते हैं, तो अपलोडेड जो हमारा फाइल है यहाँ पे देखिए एक अपलोडेड फाइल है, जिसको हम व्यू करते हैं तो एक डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो गया तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे दिलीप तामुले जी का है BSNL बोका कार्ड, और सर्कल आप देख सकते हैं कि सर्कल असम है, SSA जोरहट है, और इक्विपमेंट जो भी लगा है ऑप्ट्रॉनिक्स का लगा सकते हैं, सार्वटेक का, किसी भी कंपनी का OLT लगा सकते हैं। और लोकेशन दिया है और वहां पे सिग्नेचर और साइन है, यही आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिससे वेरीफाई होगा कि ये जो आपने रिक्वेस्ट डाला है वो आपने सीरियसली डाला है। उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस किया जाएगा। आपके लिए एक फाइबर जो केबल होता है जो OLT में लगता है उसके लिए एक पोर्ट निकाल के आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से कनेक्शन दे पाए। और जैसे ही आपका कंप्लीट होगा रिक्वेस्ट, उसके बाद आप स्टेटस में आके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई और दूसरा इंक्वायरी चाहते हैं FMS से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।